पुलवामा हमले के बाद से पाकिस्तान को लगातार भारत की ओर से झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान असहाय हो चुके हैं। दुनिया भर में पाक अलग थलग दिखाई पड़ रहा है। इन सारी परेशानियों से परे मंदी की परेशानी और पाक को परेशान कर रही है। ऐसे में एक संभावना उठ रही है कि पाक में तख्ता पलट हो सकता है। तख्ता पलट की संभावनाएं क्यों है और तख्ता पलट के बाद कौन होगा पाक का नया आज़म, आइए देखते हैं इन सारी चीजों की खबर प्राइम टीवी पर। नापाक पाक के खिलाड़ी पीएम के सारे दांव फेल होते नजर आ रहे हैं। मोदी और शाह की भारतीय जोड़ी ने पूर्व गेंदबाज की नाक में दम कर रखा है। कश्मीर की ग्रीन पिच पर भी इमरान को स्विंग नहीं मिल रही है। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म हो रहा है कि पाक में सत्ता का तख्ता पलट हो सकता है। ऐसा पहले कई बार भी हो चुका है, चाहे वे 1958 की मिर्जा सरकार को पलटकर अयूब खान की सत्ता हासिल करना हो या फिर 1969 में याहिया खान द्वारा की गई अयूब की हुकूमत से बेदखली। वो 1977 का जुल्फिकार सरकार को पलट जियाउल हक का कुर्सी हथियाना हो या फिर 1999 में मुशर्रफ द्वारा नवाज का सिंहासन हासिल करना, सत्ता की चाह और घटती साख के चलते पाक में अब तक 4 सैन्य तख्ता पलट हो चुके हैं। चारों बार यहां के जनरल ने कमान अपने हाथ में ली। अब बात करते हैं 2019 यानी वर्तमान की। वहां इमरान की नाकामयाबी साफ झलक रही है। बताया जा रहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक, कुलभूषण जाधव और कश्मीर मसले पर हुई पाक की किरकिरी ना तो वहां की जनता को पसंद आ रही है और ना ही सेना को। इसके चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि पाक में जल्द ही इतिहास अपने आप को दोहरा सकता है। इस बात का एक कारण और भी है। कहा जा रहा है कि पाक पीएम अभी से मेजर जनरल कमर जावेद बाजवा के इशारे पर काम करने लगे हैं। सेना प्रमुख का 3 साल का कार्यकाल बढ़ाया जाना भी बाजवा की मनमानी मानी जा रही है। इस लिहाज से भी तख्ता पलट के कयासों को और बल मिल रहा है। इन सब समीकरणों और पाक के ताजा हालातों को लेकर ये माना जा रहा है कि पाक में सैन्य तख्तापलट होना तय है। अब देखना अहम होगा कि आखिर कब। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी।